नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे NCERT कक्षा 8वीं की, हमारा अतीत 3। इसमें भाग हम लोग पहला देख रहे हैं, क्योंकि इस पुस्तक में आपके दो भाग हैं। तो पहले भाग का हम लोग एक चैप्टर अभी खत्म कर चुके हैं, ये आपका दूसरा चैप्टर है। इसमें बात करेंगे व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। फिर से आपको वही सलाह दूंगा कि इन सभी चैप्टरों को आपको एक कहानी के रूप में पढ़ना है, ठीक है? बढ़िया आराम से सुनना है और निकल जाना है, इतने में आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षेत्र पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी शुरू में? तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में आप देखेंगे यह कैसे हुआ आखिर। देखिए ये चित्र, एक कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर उसके बेटों की गिरफ्तारी। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हुआ, तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया। जब विद्रोह को कुचल दिया गया, तो कंपनी ने बहादुर शाह जाफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उसके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। याद रखिए, ऐसे बहादुर शाह जाफर को आप उस तरह ले सकते हैं राजतंत्र में कि एक निर्धारित होता है, जब बाप ना हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक लास्ट में कह देते हैं फिर इसे ही राजा बना दीजिए, क्योंकि उसकी वायर बारिश है ना ये। फिर चाहे आप लोग कांग्रेस को ले सकते हैं, इस समय की करंट की कांग्रेस पार्टी को, कि चलिए कोई नहीं है तो राहुल गांधी को अध्यक्ष बना देते हैं। तो उसी समय उसी तरह बहादुर शाह जाफर को उन्होंने अपना नेता मान लिया। आगे बात करते हैं हम लोग पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम, यह आपका ब्रिटिश आइसलैंड, ये अफ्रीका हो गया, सेंट हेलिना, कैप ऑफ गुड होप, ये बम्बई, कलकत्ता, सॉरी मद्रास, कलकत्ता, कैंटोन। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजत नामा हासिल कर लिया, जिसे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस इजाजत नामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती है। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खगोल सकती थी। वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तो तभी वे सस्ती चीजें खरीद कर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती हैं। इस तरह ले लीजिए कि अगर आपके गांव में एक ही दुकानदार हो,
स्वाभाविक है कि उसके सामने कोई प्रतिस्पर्धा करने वाला कोई हो ही ना, तो वो महंगी चीजें बेचेगा, महंगी सौदा देगा ना आप लोगों को। ठीक है, तो अगर आपके गांव में 10 दुकानें हैं तो सब में कंपटीशन रहेगा, सस्ती सौदा मिलेगी। चाहे फिर आप लोग इस तरह ले सकते हैं कि चलिए आप लोगों को 500 सीटें आ रही हैं आईएएस की, 500 ही लोग तैयारी करने वाले हैं, तो कहाँ प्रतिस्पर्धा होगी आप लोगों के लिए, है ना। काफी प्रतिस्पर्धा तो तब होती है जब उसके लिए लाखों लोग खड़े हों। वो एक कहावत नहीं है कि एक अनार 100 बीमार, वही हालत है। वाणिज्य एक ऐसा व्यवसायिक उद्यम जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदकर और ज्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगालियों के खोजी यात्री वास्को द गामा, वास्को डी गामा भी बोलते हैं इसे, नहीं 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। तो याद रखिए, पुर्तगाल सबसे पहले भारत आए और सबसे बाद में ये गए। ठीक है, समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजार में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी, उनमें मिलने वाले वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारी कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दें। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी कंपनी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों ने से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें यह कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री आपकी 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। जो व्यापारी यहाँ थे उन्हें क्या कहते थे? फैक्टर। इस फैक्ट्री में व्यवसाय वेयर हाउस था, जहाँ निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालीकाता था, जो बाद में आपका कलकत्ता बना। कलकत्ता को पहले क्या कहते थे? कालीकाता, अब इसे कोलकाता कहा जाता है।
कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। फरमान का क्या अर्थ होता है? एक शाही आदेश। ठीक है, कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियायतें हासिल करने, पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी और तौर पर व्यापार चलाते उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान विरोध क्यों ना करते। मद्रास के जहाजों में सिर्फ सामान लाती स्थानीय नौकाएं विलियम्स विलियम सैमसन द्वारा बनाया गया चित्र कब 1867 में देख लीजिए इस चित्र। बात करते हैं हम लोग व्यापार से युद्धों तक। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव था। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शीद कुली खां के बाद अली वर्दी खान, उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसने उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया गया। किसकी? कंपनी की। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे, किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणाम परिणति फिलासी की प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई, कठपुतली। यह एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के सहारे पर चलता है तो उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा अक्सर कि वो उसके हाथ की कठपुतली बन गया है। कई बार हम लोग उदाहरण में लेते हैं इस तरह से। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं पिलासी का युद्ध। क्या है पिलासी का युद्ध? 1756 कब 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके, बकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाजों को
घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कंपनी के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेनाओं को नौसैनिक बेड़ी की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां भी थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटा कर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाए। क्या आप जानते थे कि पलासी का यह नाम किस तरह पड़ा? दरअसल असली नाम पलासी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़कर पलासी कर दिया था। इस जगह को पलासी, यहाँ पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण कहा जाता था। पलास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता था, जिसका होली पर इस्तेमाल होता था। पता है आप लोगों को NCERT आपको पढ़ने की सलाह क्यों दी जाती है? अब जैसे आपके से इंटरव्यू में पूछ लिया कि पलासी आखिर नाम कैसे पड़ा, इसे पलासी का युद्ध क्यों बोलते हैं, तो आप क्या बताओगे? अब आपको वहां तो जब आप किसी कोचिंग में जाते हैं या NCERT छोड़ को कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं, तो उसमें तो ये परिभाषा नहीं मिलेगी ना आपको। उसमें तो बस उनके पॉइंट दिए होंगे किसके किसके बीच हुआ और क्यों हुआ, बस निकल जाएंगे वो बता के। तो इसीलिए दिए जाते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सके और आपको छोटी से छोटी परिभाषा याद रहे। चित्र देखिए, महान्यायालय कक्ष, ईस्ट इंडिया हाउस, लेडन हॉल स्ट्रीट, ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स की लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठक होती थी। यह ऐसी ही एक सभा का चित्र है। संपन्नता का आश्वासन। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। पलासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजी सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते CH भेजी, लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। नवाब की रियायत निर्देश। 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में यह कहा था, जब भी पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दी जाए। उन्हें वह जमीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो वहां मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते हैं। दीवारों पर उन्होंने ना जाने कितनी तोपें तैनात कर दी। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे आशंक औरतों मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट रहे हैं। आगे बात करते हैं, पलासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। पलासी की युद्ध कंपनी के लिए बहुत बड़ी जीत थी। पलासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता है, तब
तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह सत्ता रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के सारे पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नजर में सम्मान और संप्रभुता दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को बना दिया। याद रखिए, मीर जाफर के बाद मीर कासिम को बनाया गया नवाब। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई आपकी 1764 में उसको भी हराना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज्यादा इलाके और ज्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब एक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदने पड़ती थी। इसकी वजह ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी। पलासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सारी कंपनी को खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब था। इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत दोनों थी, लेकिन इसके कुछ और भी फायदे थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा। फिलासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास, जिसे अब चेन्नई बोलते हैं, आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। कितनी? 18। 1767 में जब वह दो बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत कितनी थी? 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। कितनी? 4,01,102 पाउंड के बराबर। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद ने में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत खाने वाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौट कर आराम की जिंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए
उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब नाबोब कहते थे। यह भारतीय सभा शब्द नवाब से निकला हुआ है, ठीक, अंग्रेजी संस्करण। उन्हें लोग अक्सर नई अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। याद रखिए, हमारे लिए आज अमेरिका या किसी विदेश में बसना, जो सक्सेस है, जो विकसित देशों में गिना जाता है, हमारा सपना होता है कि अमेरिका जाके बसे, हम वहाँ नौकरी करें। इसी तरह उस समय अन्य देशों के लोगों की इच्छा होती थी कि वो भारत में जाएं, भारत में नौकरी करें, भारत में अपना व्यापार करें, क्योंकि फायदा था उस समय आपके भारत में, ठीक है। तो ये उसी तरह है कि आज हम लोग जो सपने देख रहे हैं कि हम लोग अमेरिका जाएं, उसी तरह उस समय लोग देखते थे कि हमारे भारत आए। तो आप लोग समझ सकते हो कितना महत्व था भारत का। क्लाइव खुद को कैसे देखता था? संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखें उसने क्या कहा। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था, एक संपन्न शहर मेरी दया पर था, उसके सबसे सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजाने के बीच से गुजर रहा था, दूसरे मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। चलिए अब बात करते हैं कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्रयास नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। एक कंपनी के राजनीतिक और व्यवसायिक प्रतिनिधित्व होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिमेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारियों भारतीय राज्यों के भीतर मामलों में भी दखल देने लगे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाए, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेते थे उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए रिचर्ड बेल्लेजली गवर्नर जनरल 1758 से 1798 से 1805 तक, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर आपका हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे। देखिए चित्र दिख रहा है साथ, अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब सुजाउद्दौला टिली केटल द्वारा बनाया गया चित्र 1772 में। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब सुजाउद्दौला के ज्यादातर अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन यहाँ हुआ तो रेजिडेंट के सामने अपने चिरपरिचित शाही शानों शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी। कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट्स के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा था।
दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता था। हमें उसे अहस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते थे हैं, जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीजें आराम से चलती रहती हैं। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का बैठता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाता है। निषेधाग्रह, निर्देश, अधीनस्थता, दबूपन। क्या है अधीनस्थता, दबूपन? अब बात करते हैं टीपू सुल्तान शेर ए मसूर मैसूर टीपू सुल्तान। देखिए है टीपू सुल्तान आपके, जब कंपनी को अपनी राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपना लिया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। हैदर अली, शासनकाल 1761 से 1782, उसके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, शासनकाल 1782 से 1799, जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला मैसूर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से कंपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। अपनी सेना का क्या किया? आधुनिकीकरण। किनकी सहायता से? फ्रांसीसी व्यापारियों की। देखिए चित्र को, टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। डेनियल ऑर्म्स द्वारा 1793 में चित्र बनाया गया था। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में मराठा हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उनके दो बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्यों की तस्वीर बनाने में मजा आता था जिनमें अंग्रेजी सत्ता की विजय दिखाई देती थी। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना, कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। कब कब? 1767 से 69, 1780 से 84, 1790 से 92 और 1799 में। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने बोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। टीपू की कहानी। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती थी। विचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता था। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां एक शेर उसके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया, कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्ते ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा कर ली। अंत में उन्होंने शेर को मार दिया।
इसी के कारण है शेर ए मैसूर कहा जाने लगा। उनके से राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। देखिए टीपू का खिलौना शेर, यह टीपू के एक विशाल का मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही की को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था, सिपाही के भीतर से चीख की आवाज आती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए। बात करते हैं मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा यानी कि सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी राजमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। कहाँ रहता था? पुणे में। महादजी सिंधिया नाना फडणीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक थे। तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ आपका 1765। आपसे दो क्वेश्चंस आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, कौन सा पानीपत का पहला युद्ध और पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, इन दोनों डेटों को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं जो कक्षा 6वीं और 7वीं में हम लोगों ने बुक्स पढ़ी, कक्षा 7वीं की में हम लोगों ने इन्हें देखा था। ठीक है, तो आप लोग याद करिए और फिर इसके बारे में कई बार हम लोग क्वेश्चन जो सॉल्व करते थे उनमें भी देख चुके हैं, तो आपको बताना है, कमेंट में लिखना है। कन्फेडरेसी इसका मतलब होता है गठबंधन। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालवाई संधि के साथ खत्म हुआ जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध आपका 1803 से 1805 कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1819 के बीच तीसरे अंग्रेजी मराठा युद्ध में मराठों की ताकत पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बैठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। देखिए यह है लॉर्ड हेस्टिंग्स। आगे हम लोग बात करते हैं सर्वोच्चता का दावा। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों में से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने और उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती थी। लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने केत्तूर फिलहाल कर्नाटक में छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई।
चिनम्मा के बात के दूर स्थित संगोली के गरीब चौकीदार रैना ने प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। ये चित्र देख रहे हो कि टोरानी चेनम्मा की स्मृति में बनाई गई एक मूर्ति है। आगे चलते हैं हम लोग 1830 के दशक के अंत में। ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तरी पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यह महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी कंपनी की दाल नहीं गलने दी। महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयां हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। देखिए यह चित्र महाराजा रणजीत सिंह का दरबार। कुछ भी कहिए लेकिन ठाट बाट के साथ रहते थे। हैं? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं विलय नीति। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तरह पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी भारत के जिस राजा की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसका पुत्र नहीं है यानी कि वारिस नहीं है तो कंपनी क्या करेगी, उस राज्य को हड़प लेगी, मतलब अपने आप उस पर कब्जा कर लेगी। ठीक है, इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें जैसे आपका सतारा 1848 में, संबलपुर आपका 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853, झांसी 1854 अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने यह एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आजाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा। अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। यह है आपके संबलपुर के वीर सुरेंद्र साय का चित्र। देखिए भारत 1797, भारत 1840 में, भारत 1857 में। ये जो पीला दिख रहा है ये ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र है। ये जो पीला पीला दिख रहा है ये आपका ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र है और ये जो रेड कलर का है लाल टाइप का ये क्षेत्र जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे, मतलब भारत का कब्जा था इस पर। ठीक है, शुरू में इतना देखिए लाहौर, दिल्ली, लखनऊ, काठमांडू, बड़ौदा, पूना, हैदराबाद, मैसूर, गोवा, बम्बई। ठीक है, फिर जब 1840 में आए तो ब्रिटिश का क्षेत्र बढ़ रहा है। देखिए बढ़ रहा है कहीं, यहाँ दिल्ली तक पहुंच गए, यहाँ बम्बई, मद्रास, ठीक है, कलकत्ता है, पहले भी कलकत्ता था। फिर जब हम लोग 1857 में आते हैं तो देखिए अधिकतर हिस्से पर कंपनी का शासन यानी कि ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र हो गए। लाहौर, बम्बई, पूना, ठीक है, मद्रास,
भारत में अंग्रेजों की फैलती सत्ताएं आपको एबीसी चित्र में दिखाई गई क्रमशः। इन नक्शे को भारत के वर्तमान राजनीतिक नक्शे के साथ रखकर देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आती आती कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बंबई व मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय तीन प्रेसिडेंसी थी, कौन कौन सी? बंगाल, मद्रास और बंबई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुविधाएं सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खासतौर पर सिर्फ उल्लेखनीय है। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में दो अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतों अभी भी काजी और मुक्ति के ही अंतर्गत थी लेकिन वे कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उनकी अर्थ जान लीजिए। काजी एक न्यायाधीश, मुक्ति मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता था। काजी इस व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता था। महाभियोग जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता था तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता था, उसे महाभियोग कहा जाता था। वॉरेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा जब वॉरेन हेस्टिंग्स पर 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्क ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से ना चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो सात साल तक चला। देखिए इस तरह होती थी सभा। आगे बात करते हैं। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र ही की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या करते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एन बी हालवेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया और 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों को भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजाम मत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, जैसा कि नाम से ही पता चलता कि उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों और पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट और सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर धकेल दिया था। मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। वॉरेन हेस्टिंग्स के महाभियोग की कार्रवाई के दौरान एडमंड बर्क ने एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया जिसका एक हिस्सा इस प्रकार था। मैं उनके हेस्टिंग्स के ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूँ जिनके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रौंद दिया, जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया। अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं सबको साझा शत्रु और सबके उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूं। अब बात करते हैं कंपनी की फौज। कंपनी के साथ
साथ भारत में शासन और सुधार के लिए नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, सवार यानी कि घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया गया था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था। मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशक्त किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों की जरूरत को पढ़ने पर पैदल सेना सिपाहियों का सिपाही मुहैया करा देते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपॉय, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना था, आर्मी कहते थे। क्या? सिपॉय आर्मी कहते थे। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान, मिस्र भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मास्केट, तोड़ेदार बंदूक और मैच लॉक से लैस होती थी। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं पर ध्यान रखना पड़ता था। अब उसकी दो पैदल टुकड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं थी भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाही की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जातियों और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन हैं, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में आप लोग अध्याय 5 में पढ़ेंगे। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में हम लोग अध्याय 5 में अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ कुछ आपके शब्द दिए गए हैं, उनकी परिभाषा आपको याद रख लेने। धर्मशास्त्र संस्कृति की ऐसी कृतियां जिनमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए। सवार घुड़सवार होते थे। मास्केट पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक थी। मैच लॉक शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। याद रखिए, फिर से बता देता हूँ कि आपका NCERT पढ़ने का सिर्फ उद्देश्य इन्हीं शब्दों की हमें परिभाषा जानना है और इन्हीं शब्दों के बारे में हमें जानना है, जिससे हमारा बेस क्लियर हो सके और हम लोग अच्छे से समझ सकें। चित्त 13 कंपनी के लिए काम करने वाले बंगाल का एक सवार है। एक अज्ञात भारतीय चित्रकार द्वारा बनाया गया था 1780 में। मराठों और मैसूर के साथ हुए युद्धों के बाद कंपनी को अपनी घुड़सवारी टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी थी। अब बात कर लेते हैं निष्कर्ष। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। तब तक समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाजों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1757 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार
व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। अन्यत दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार। डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचा जाने लगा। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित कैप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। 1824 में कैप आने वाले एक यात्री ने वहां होने वाले नीलामी का आंखों देखा ब्यौरा प्रस्तुत किया है। यह मालूम होने पर कि पशुओं कृषि उत्पादों की नीलामी होने लगी वाली है। हमने अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक ली। नीलामी के माल में एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा। उन्हें अलग अलग खरीदारों में दिया गया। माँ ने चिंता वेदना आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए। यह दृश्य दिल को पिघलाने वाला था। इसके विपरीत मौजूद दर्शकों के चेहरे हंसते हुए एवं असंवेदनशील थे। ये आपके कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप लोग लगा लीजिए। फिर चाहे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रखिए पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दीजिए। आपको अच्छे से अगर आप लोग पढ़ते हैं इसे तो 90 से 95% आपका कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई हैं ये सभी बुक्स आपकी। तो ये था आपका दूसरा चैप्टर, ठीक है। तीसरे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना।